डॉक्टर, वो काफी अच्छा होता है क्योंकि इजी टू डाइजेस्ट होता है, आसानी से पच जाता है। बीच बीच में आप लोग दही का इस्तेमाल भी करेंगे, जैसे सुबह का 7 बजे आपने खाना दे दिया इसको, ठीक है, फूड के साथ सर्व लगे, ठीक। नमस्कार फ्रेंड, मैं अक्षय आर्यन वर्कशॉप से। अभी हमारे यहाँ से ये स्पिरिट्स का बच्चा जा रहा है, और स्पिरिट्स के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, काफी फ्रेंडली डॉग है और सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा सेल आउट होने वाला यही बच्चा है। रीजन अब कुछ भी समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ सभी को ये बहुत ज्यादा क्यूट लगता है, थोड़ा इसका बजट भी कम होता है, तो ये बच्चा भी सबसे ज्यादा सेल आउट होता है सभी डॉग ब्रीडों में। क्वालिटी थोड़ा इनका, और हमारे पास ये दो कस्टमर आए हैं लेने के लिए। क्या नाम हुआ भाई आप लोग का? मेरा नाम शुभम कुमार। शुभम कुमार, सर्वजीत कुमार पड़ेगा। सर्वजीत कुमार, सर्वजीत कुमार, कहाँ से आप लोग? हम लोग आरा से आए हैं, महादेवा रोड। महादेवा रोड, महादेवा रोड आरा से आए हैं ये लोग। ये बच्चा पकड़ लेना, कैसा है ये बच्चा ये बताइएगा, क्वालिटी कैसा लगा आप लोगों को? क्वालिटी बहुत बहुत अच्छा। काफी आप लोग देख सकते हैं, बच्चा भी काफी हेल्दी है, फर वर भी आप देख सकते, फुल वाइट है, और इनको मैंने ये सारा अभी फिलहाल दवा वगैरह दिया है, कुछ फूड वगैरह दिए हैं, और इनको मैंने बता दिया क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है। अभी फिलहाल आप लोगों को तो बताया गया कैसा देना है, क्योंकि अभी नया बच्चा है, तो अभी एक सरलेग भी चलाएंगे साथ में, उसके साथ ये फूड भी मैंने लिया, तो ह्यूमन वाला सरलेग भी यूज किया जा सकता है डॉक्टर, वो काफी अच्छा होता है क्योंकि इजी टू डाइजेस्ट होता है, आसानी से पच जाता है। बीच बीच में आप लोग दही का इस्तेमाल भी करेंगे, जैसे सुबह का 7 बजे आपने खाना दे दिया इसको, ठीक है, फूड के साथ सेरेलेक, ठीक। उसके बाद 11 बजे आप दही के साथ सेरेलेक, दही के साथ फूड भी दे सकते हैं आप, तो दही के साथ फूड देने से पेट भी इसका ठंडा रहता है, और लेकिन वो आप मौसम को देखते हुए, क्योंकि कभी ज्यादा मौसम ठंडा रहता है उस टाइम आप दही देंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो वो आप नहीं करेंगे, तो आप सिर्फ नॉर्मल दही के साथ फूड देंगे जब मौसम सही होगा तो, ठीक है। और नहलाने की बात ज्यादा आती है हमेशा कि डॉग को गंदे हो गए नहलाना कैसे है, जरा डायग्नोस कीजिए। तो अभी जो डॉग अभी नहलाने की बात होती है, तो उसमें आपको सबसे पहला प्रायोरिटी है कि मौसम काफी चेंज हो रहा है, कभी मौसम आपको गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, कभी ठंडी भी महसूस हो जाती है, कभी कभी रात में बारिश भी हो रहा है, तो आप वैसे मौसम में आप ड्राइवर्स का इस्तेमाल करें, आप किसी भी कंपनी का ड्राइवर्स ले सकते हैं, ये वेंकीज का भी अपने पास ड्राइवर्स है, तो ये ड्राइवर्स होता है, इसको कैसे यूज करना है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। इसको पहले ये बॉडी पे स्प्रे कर देना, पूरे बॉडी पे स्प्रे करके हाथों से रब करके तौली से बस पोंछ देना, इससे क्या होगा इसका स्नान हो गया और गीला भी करना नहीं पड़ा डॉग को, तो इससे डॉग सुरक्षित होता है। तो शुरुआत में आप अभी 15-20 दिन आप ड्राइवर्स करें, इससे कोई दिक्कत नहीं होता, डॉग भी आपका फ्रेश रहेगा, साफ रहेगा। उसके बाद फ्यूचर में 15-20 दिन के बाद या महीने भर बाद आप इसको नहला सकते हैं, वो भी मौसम देखते हुए, मौसम जब सही रहेगा तो नहला दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नहलाने के लिए आप कोई भी शैम्पू का यूज कर सकते हैं, पैटर्न केयर का हम शैम्पू इनको दे रहे हैं, ये हर्बल शैम्पू है, तो ये फिलहाल आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको मतलब फ्यूचर में डॉग गंदा होता है ज्यादा, क्योंकि मेन तो उसका व्हाइट कलर है, तो उसका सफाई का ही मेन मुद्दा आता है कि भाई इसको साफ कैसे रखें। अभी एक मेरी वीडियो आई बटन में है, जो हमारे कस्टमर में आप देख लीजिएगा उस वीडियो को, उसमें हमारे कस्टमर द्वारा दिया गया डॉग है, जो मैंने दिया था वही इसी एज का था बच्चा, और अभी काफी बड़ा हो गया और काफी अच्छा मेंटेन रखा उन्होंने, तो आप ये वीडियो जरूर आई बटन में चेक कर रहे, ठीक है। और बाकी आप लोग को क्या लगा, यहाँ कैमरा वैमरा आया, क्या देखा आप लोगों ने, कुछ नया देखने के लिए मिला नहीं मिला, कुछ बताइए जी। जी यहाँ पे हमारे बहुत ही अच्छा दिन, जैसे मेरे भैया ने बताया बहुत ही अच्छा बताया। रेट कैसा लगा भैया? रेट बहुत सही लगाया आपने, मतलब आप लोग और भी कई बात किया होगा आप लोगों ने? हाँ, मतलब जैसे और कई बात किए थे, तो वो जैसे बता रहा था 5-6 हजार हम लोग यहाँ तो कुछ कम हुआ, डिस्काउंट हुआ मिला, चलिए चलिए डिस्काउंट मिला, आप लोग संतुष्ट हैं, बस उससे ज्यादा बेटर क्या बताया। और नंबर भैया मेरा कहाँ से आप लोगों ने? नंबर यूट्यूब चैनल आर्यन पेट्स केयर होगा, आर्यन पेट 100 उसी नाम से मेरा YouTube चैनल भी है, और दुकान का नाम भी आर्यन वर्कशॉप ही है, और आप लोग को ज्यादा मेहनत तो नहीं हुई, क्योंकि ये लोग आरा से आए हैं, तो इन लोगों को शुरुआत में पता नहीं चला था लोकेशन, तो उसके लिए मैंने इनको बताया कि आरा से, तो भैया आप लोग कैसे कैसे आए वो भी जल्दी थोड़ा बता दें, आप वहां से ट्रेन बाय ट्रेन आया फिर? भैया ने बहुत ही हेल्प किया हमारा,
बार बार भूल जा रहे थे टेम्पो कहाँ से पकड़े, कहाँ से क्या करें, सब इन्होंने वीडियो कॉल पे बताया और यहाँ तक का सफर हम लोग का हुआ। क्योंकि इन्होंने फोन किया था मुझे, तो उस समय ये स्टेशन पे था, तो मैंने वहाँ वीडियो कॉल पे देखा भाई कहाँ से, फिर मैंने ऑटो वगैरह का बताया कि वहाँ से ऑटो लेते, तो फिर वो लेकर के हमारे पास पहुंचे और मैंने इनको डॉग दिया। और आप लोग तो संतुष्ट हैं? जी जी, नहीं दिल से है यार, मतलब ऐसे। चलिए धन्यवाद। बाकी आप कोई भी डिटेल के लिए, आप मेरा नंबर है ही और नंबर मेरा स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा हुआ, उस नंबर पे आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर किसी तरह की इंक्वायरी हो, या कमेंट सेक्शन में आप जो भी कुछ कहना अगर चाहे, तो कमेंट सेक्शन है आपके लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और बाकी आप लोग के पास नंबर है तो आप कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं अगर कोई भी तरह का दिक्कत हुई, परेशानी हुई तो। और ये आपका इंडियन स्पिट, इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं, डॉग में इंजेक्शन का सबसे बड़ा बात आता है कि इसको इंजेक्शन कब कब दिलवाना है। तो अभी जब भी कोई आप डॉग परचेज करते हैं तो पहले उनसे पूछ लीजिए कितने दिन का डॉग है। जैसे ये अभी डॉग अपने 35 डेज ओल्ड है, तो आप पहला इंजेक्शन पड़ेगा 9-in-1 या 7-in-1 भी दिलवा सकते हैं। पहले 7-in-1 पड़ेगा, ये 45 डेज पे पड़ता है पहला इंजेक्शन, इसका 45 डेज पे पड़ता है। और दूसरा इंजेक्शन आपको पड़ेगा ये 45 डेज से प्लस 21 डेज, यानी कि 66 डेज के आसपास आपको इंजेक्शन पड़ेगा दूसरा। फिर 90 डेज पे पड़ेगा जो इंजेक्शन, जो 45 दिन के बाद 21 दिन के बाद जो पड़ेगा वो इसका बूस्टर होता है। तो जो इंजेक्शन आप 7-in-1 दिलवाते हैं या 9-in-1 दिलवाते हैं तो वही सेम पड़ेगा आपको, तो वो बूस्टर हो जाता है। उसके बाद 11-in-1 भी दिलवा सकते हैं, कुछ लोग दिलवाते हैं कुछ लोग नहीं दिलवाते, लेकिन दिलवा लेना चाहिए। तो 11-in-1 भी दिला सकते हैं आप इसको रखे। उसके बाद आप एंटी रेबीज, इसका 90 दिन पे पड़ेगा, तो एंटी रेबीज आपको देना जो 90 दिन पे पड़ता है। उसके बाद आपको इंजेक्शन जो भी होगा हर साल रिपीट होगा पूरे साल, मतलब हर नेक्स्ट ईयर में भी आप दिला सकते हैं। और जो रेबीज होता है हर 6 महीने पे आपको दिलवाना। 9-in-1 आप एक बार दिलवा सकते हैं साल में, और नहीं तो वैसे इंडियन स्पिट्स है तो इसमें चलता है, बाकी अदर डॉग ब्रीड में आपको कम से कम इंजेक्शन दिलवाना होगा जो 9-in-1 होगा या कुछ भी, क्योंकि वो सब इंजेक्शन से आपको ये होता है कि बीमारी से बचने का जो क्षमता होता है इसका बढ़ जाता है, ताकि आप फ्यूचर में इसको कोई बीमारी ना लगे। बहुत सारी बीमारियां हैं जो भी परेशान करती हैं लोगों, जैसे कि पार्वो वायरस हो गया, कैनाइन डिस्टेंपर हो गया, और वैसी ही बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो उसी के लिए एक वैक्सीन आता है जिसको 9-in-1 या 7-in-1 होता है। जो 9-in-1 हो गया उसमें 9 बीमारियों के लिए एक इंजेक्शन होता है 9-in-1 हो गया। जो 7-in-1 हो गया वो 7 इंजेक्शन होता है एक डोज में, एक डोज आप देंगे तो उसको 7 बीमारी से सुरक्षा देता है। तो आप लोग का भी ध्यान रखें। ये काफी फ्रेंडली डॉग है और इसका हेयर थोड़ा बहुत ज्यादा होता है, तो इसको हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी होती है, तो फ्यूचर में आप इसको कॉम बराबर रख करेंगे, ठीक है। और ये कॉल्सबेल डॉग है, मतलब आपके घर में अगर कोई भी अजनबी अगर बगल से गुजर भी जाएगा ना तो ये जरूर आपको शोर करेगा। तो ये इसमें एक क्वालिटी इसकी होती है जो कि आपको हमेशा अलर्ट रखेगा। ये डॉग अलर्टनेस के लिए ही है, तो आप एज अ कॉल्सबेल आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कोई भी घर के लिए। अभी आप लोग को लगता है कि भाई कोई घर में अंदर एंटर करेगा नहीं करेगा पता नहीं चलता है, तो उस टाइप में आप ये डॉग पाल कर देखें, ये काफी आपको अलर्ट रखेगा और ये बहुत ज्यादा आपको मतलब गार्डिंग के लिए तो बेस्ट होता है। भले अटैक ना करे, क्योंकि अटैकिंग पावर इसमें उतनी ज्यादा नहीं होती है, अटैक नहीं कर सकता, लड़ नहीं सकता, लेकिन आपको आपको अलर्ट कर सकता है, तो इसके लिए आप ये डॉग पाल सकते हैं। और जिनका भी अगर मतलब टॉय टाइप की ब्रीड पालनी हो, जिसका हाइट कम हो और छोटे घर होते हैं छोटे अपार्टमेंट टाइप में, तो उस टाइप में आप ये डॉग पाल सकते हैं, क्योंकि ये डॉग उसके लिए ही बना है। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद।